साकार महिला विकास समिति एवं वर्गो सांस्कृतिक संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित सिंधी नाडरजी स्कूल में किया गया। कैंप आयोजक निशा पारी घनश्याम मुलानी ने बताया कि इस कैंप में लगभग 150 लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। रूपाली कश्यप रवि कश्यप ने जानकारी दी कि कैंप में मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक सुनील जैन ने सभी एसआई कोविड गाइडलाइन की पालना करने तथा जागरूकता पर विचार रखे। इस कार्यक्रम में पार्षद अरविंद मैथी विजय सोनी उक्स बगरू वालों का रास्ता एसआई मेडिकल ऑफिसर दो राजकुमार जैन नर्सिंग कर्मी सुमन माचवा पवन शर्मा की टीम ने वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप ऐसे ही किया। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुकी है हमारे देश में, और विगत दिनों में हम देखते आ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह भी हमको नहीं मिल पा रहा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों में ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पर ध्यान देवें और वैक्सीन लगवाएं। इससे जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी वैक्सीन लगा चुका हूँ। आज 15 दिन हो गए मेरे वैक्सीन लगाए, ऐसे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा। शरीर के अंदर कुछ भी दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। एक लोगों में गलत धारणा थी कि वैक्सीन लगाने से ठीक शरीर में दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो यहाँ पे वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को जाके बोले कि वैक्सीन लगाएं। और 1 मई से 18 साल से 35 साल की वैक्सीन लग रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बोले कि वैक्सीन लगाएं। धन्यवाद जी।